हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो आज का प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट है जो मोस्टली जो घर में यूज़ किया जाता है। जो आज प्रोडक्ट है वो लोरियल का ब्लैक कलर है। जो नंबर वन इसका जो कोड है वो है लोरियल पेरिस का है, और इसके ऊपर कुछ आपको दे सकते हैं, कुछ डिटेल दी गई है। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। हेयर कंटेंट कैन यू कोज एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी अलर्ट टेस्ट मस्ट बी डन 24 आवर्स बिफोर यूज। कब आप इसको यूज़ करते हैं तो उससे पहले आपको इसमें जो भी आपको इसको बॉडी पे या स्किन पे आपको चेक करना है, उसके बाद 24 आवर पहले, उसके बाद ही आपको इसको यूज़ करना है। जो डिटेल्स में देख सकते हैं, सबसे ऊपर इसमें ब्रांडिंग दी गई है लोरियल की, पेरिस का ब्रांड है, और इसमें देख सकते हैं न्यू न्यू बता रहा है कि न्यू है और नो अमोनिया है, अमोनिया से रहित है ये। और इसके साथ जो मेन जो फीचर इसके साथ में आ रहा है वो है विद फ्रेंच रोज़ ऑयल, जो इसको थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। एक्सीलेंस क्रीम के नाम से प्रोडक्ट आता है। ट्रिपल केयर कलर है, 100% ग्रे कवरेज, मतलब जो आपके जो सफ़ेद बाल हैं या जो थोड़े कलर फेड हो रहे हैं उसको ये कलर करता है। और लॉन्ग लास्टिंग कलर, मतलब लॉन्ग लास्टिंग टिकता है, पर ये नहीं बता रहा कितने टाइम तक टिकेगा ये। और जो दूसरी डिटेल नीचे देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 3 स्टेप ये बता रहा है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में बता है प्रोटेक्टिव कलरिंग क्रीम है, एनरिच्ड विद प्रो केराटिन एंड प्रोटेक्टिव सीरम। जो फर्स्ट में बता रहा है कि इसमें अंदर प्रो केराटिन और प्रोटेक्टिव सीरम इसके अंदर दिया गया है। न्यू स्कैल्प कंफर्ट शैम्पू, इसमें एक शैम्पू भी आता है जो आफ्टर कलर के बाद आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फिर ये बताता है कि जो डेलिकेटली क्लीननेस स्कैल्प टू अनविल रिच नेचुरल कलर, मतलब आप शैम्पू से धोने के बाद आपको नेचुरल कलर मिलता है बालों का। जो थर्ड इसमें जो बता रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये चीज़, फ्रेंच रोज ऑयल नोरिशिंग और मास्क के लिए दिया गया है, जो आपको जो बालों को मॉइस्चराइजर नोरिश करता है फॉर सॉफ्ट स्मूथ हेयर विद लस्टीरियस शाइन, जो शाइन के साथ साथ आपको स्मूथ और सॉफ्ट भी करता है बालों को। अब इसमें देख सकते हैं बॉक्स में सबसे ऊपर शेड दिया हुआ है, इसका न्यू लुक के साथ ये शेड आ रहा है। नंबर वन ब्लैक है ये जो इसका आता है प्रोडक्ट, ये वाला। जब इसके साइड हम चेंज करते हैं तो इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दी गई है। हेयर कलर कैन के कोज सेवर एलर्जिक रिएक्शंस, टेम्प्रेरी ब्लैक हीना टैटूज में इंक्रीज योर रिस्क और ऑफ एलर्जी, मतलब बता रहा है कि जो आप इसको यूज़ करते हैं, अगर आप 24 आवर आप पहले आप इसको चेक करते हैं तो ये इसमें रिएक्शन करते हो, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सारी डिटेल इसके अंदर दी गई, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर दी गई है, और इसमें इंग्लिश हिंदी के अंदर भी दिया गया बट बहुत बारीक में दिया गया है। मैं पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या दिखा है। सावधानी से, उत्पाद में ऐसे घटक है जिन्हें कुछ मामलों में त्वचा में जलन हो सकती है, इसलिए साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले प्राथमिक परीक्षण करना चाहिए। इस उत्पाद का प्रयोग भवों या बरौनियों को डाई करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अंधापन आ सकता है, जो इसमें बता रहा है। कि साथ साथ आपको इसमें आईब्रो पे यूज़ नहीं करना है, जिसमें एलर्जी हो सकता है, जो आईसाइट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें, बहुत सारे केमिकल्स हो रहे हैं यूज़ होते हैं इसके अंदर, बहुत शार्प केमिकल्स यूज़ होते हैं, बाकी मोस्टली लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जो बैक साइड देख सकते हैं, इसमें एक्सेलेंस क्रीम के नाम से इसकी लॉगिंग आ रही है। ट्रिपल केयर कलर रिचुअल्स आ रहा है इसमें, केयर फॉर योर कलर, केयर फॉर योर स्कैल्प कवर, केयर्स फॉर योर हेयर, बालों को कलर की और इसको जो स्कल्प होता है उसको, ये सबको प्रोटेक्ट करता है। 1 2 3 स्टेप दिए गए हैं इसमें, दो प्रोडक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले कहना प्रोटेक्टिव कलरिंग क्रीम है, जो नो अमोनिया के साथ आती है, अमोनिया का यूज़ उसमें नहीं किया गया। इसमें एनरिच विद द प्रो केराटिन एंड द प्रोटेक्टिव सीरम के साथ इसमें यूज़ हो रहा है। जो सेकंड स्टेज में न्यू गेशियर के साथ में स्कैल्प कंफर्ट शैम्पू इसके साथ आपको मिल रहा है, जो आफ्टर जो कलरिंग यूज़ करेंगे 30 मिनट रहने के बाद, उसमें आप इसमें शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। जो इसमें शैम्पू दिया गया है वो जो क्लेम करता है वो कहता है डेलीकेटली क्लीनिंग द स्कैल्प एंड हेयर ऑफ द एक्सेस रेजिड्यू, स्मूथन द हेयर टू रिवील इस रेडियंस रिच नेचुरल कलर, मतलब आप इसको जब यूज़ करते हैं जो कलर का जो यूज़ करने के बाद स्मूथ करता है बालों को, और जो नेचुरल कलर निकल के आता है उसको ये दिखाता है। शैम्पू करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो कलर आपके बालों पर रह जाता है उसको निकाल लेता है। जो थर्ड फॉर्मूला कह रहा है फ्रेंच रोज़ ऑयल इसके साथ दिया गया है आपके, इसमें जो फ्रेंच रोज़ ऑयल नरिशिंग के लिए दिया गया मास्क है ये इसका, जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन्फ्यूज विद द फ्रेंच रोज़ ऑयल नरिश द हेयर विदाउट वेटिंग इट डाउन, मतलब जो बिना वेट के आप बालों को नरिश करता है। कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई, जिसमें कह रहे हैं 100% ऑफ ग्रे, जो सफ़ेद बालों को पूरी तरह काला करता है। जेंटल ऑन स्कैल्प एंड हेयर, आपके बालों पर और जो त्वचा होती है हमारे सर की उसको बहुत जेंटल है, उस पर नाजुक है, और जो इसमें नरिश्ड लाइवली है, जो बालों को बहुत ज़्यादा जिंदा बनाता है, बहुत शाइनिंग प्रोवाइड करता है।
इसके साथ साथ देख सकते हैं इसमें जो कंटेन में क्या क्या दे रहा है, 1 ट्यूब प्रोटेक्टिव कलरिंग क्रीम मिल जाती है, नो अमोनिया के साथ है, टाइप 3 मिलती है इसके अंदर साथ जो मिलती है, 60 ग्राम की ट्यूब है, 1 बोटल ऑफ द डेवलपर 60 ml की आपको डेवलपर की बोतल मिल जाती है, 1 ट्यूब ऑफ स्कैल्प कम्फर्ट शैम्पू, एक शैम्पू की आपको इसमें ट्यूब मिल जाती है जो 12 ml की है, 1 बोटल ऑफ द फ्रेंच रोज ऑयल मास्क भी मिल जाता है आपको जो चार उसमें मिल रहा है आपको जो उसमें फ्रेंच रोज़ ऑयल है वो मिल रहा है, और इंस्ट्रक्शन लीफ एंड प्रीमियम क्वालिटी ग्लव्स, उसमें ग्लव्स भी दिए गए हैं आपको और इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है जो आपको पहले पढ़नी है। जब प्राइस की बात करें इसमें बहुत सारी चीज़ डिटेल ली गई है, बैच नंबर दिया गया, पैकेट दिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ बेस्ट बिफोर जो एक्सपायरी दी गई है, मतलब कि इसमें 3 साल की एक्सपायरी के साथ आती है। जो MRP की बात करें 590 रुपये MRP है, जो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और आप लोकल मार्केट या केमिस्ट वगैरह से भी ले सकते हैं। जो नेट कंटेंट की बात करें मैं 100 ग्राम प्लस 32 ml की बात कर रहा है, इसमें जो टोटल जो क्वान्टिटी है उसका वेट 100 ग्राम प्लस 172 ml आपको इसमें मिल जाता है। इधर दूसरी साइड की बात करें इसमें न्यू आफ्टर द कलर रेज्यूम आ रहा है जिसमें प्रोडक्ट की अपनी एडवर्टाइज़ कर रहा है, इधर शैम्पू की बोतल दी गई है और ये कलर क्रीम है उसकी बोतल दी गई है, इसमें डिटेल बता रहा है और एक चीज़ और ये बता रहा है कि हाउ टू चूज़ योर कलर, मतलब जो नेचुरल कलर होते हैं आपके 50% ग्रे हैं 50% आपके ब्लैक है तो उसके साथ अच्छी तरह से ये मर्ज कर जाता है और पता नहीं चलता कि आपने कलर किया या नहीं किया। और चलिए इसको ओपन करते हैं बोतल को और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें निकलता है यहाँ पर। जब इसको बॉट कवर को हम ओपन करते हैं यहाँ से तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें लॉक सिस्टम दिया गया है तो इसमें देख सकते हैं आप इसमें कुछ प्रोडक्ट मिलता है, एक इसमें हमें बोतल मिल जाती है जो इसकी क्रीम है उसकी बोतल मिल जाती है और इसके साथ में हमें एक ट्यूब मिल जाती है जो कलरिंग क्रीम के साथ मिक्स करनी है आपको, एक बोतल और मिलती है इसके साथ में हमें जो बोतल है इसमें ये भी क्रीम की बोतल बता रहा है इसके अंदर और देख सकते हैं क्या क्या है। एक इसमें शैम्पू क्लेम कर रहा था, ये इसकी शैम्पू की बोतल है, छोटी ट्यूब है, छोटी ट्यूब में है और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और इसके साथ साथ और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें देख सकते हैं ग्लव्स दिए गए हैं जो आपको यूज़ कर सकते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन है इसके साथ में और बीच में देख सकते हैं इसमें इसको ओपन करते हैं देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है हमें। एक इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल नज़र आ रही है यहाँ से, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और ग्रब्स दिए गए हैं साथ में जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके हाथ ख़राब ना हो, और इसके साथ एक आपको ये बुकलेट मिल जाती है इंस्ट्रक्शन के साथ में, इसमें भी सेम वही डिटेल दी गई है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इन दिस पैक यू विल फाइंड द कलरिंग कलर ट्यूब मिलती है, एक डेवलपर मिलता है जो साथ में आपको मिक्स करना है, दोनों एक पार्ट है। आपको कम्फर्ट शैम्पू इसमें दिया जा रहा है, फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है जो पहले इसमें नहीं देते थे, और साथ साथ में फ्रेंच रोज ऑयल नरिशिंग के लिए आपको दिया जा रहा है जो फ्रेंच ऑयल दिया जा रहा है इसके अंदर, ये भी आपको मिल रहा है। ये फ्रेंच रोज ऑयल बता रहा है कि ये इसमें है और ये शैम्पू इसके साथ दे रहा है। ये दो जो प्रोडक्ट दिए गए इन दोनों को आपको दोनों को मिक्स करके लगाना है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूज़ कर सकते हैं बट आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसको चेक करना है। और बात करें प्रोडक्ट की जो देख सकते हैं सबसे ऊपर जो क्रीम है इसके साथ ब्रांडिंग दी गई है, क्रीम डेवलपर इसमें है, नंबर 1 भी लिखा हुआ है और 1 है ये भी इसी का पार्ट है, दोनों को मिक्स करके आपको उसको लगाना है। और इसमें देख सकते हैं कि रोज़ ऑयल की एक दी गई है जो बाद में आपको जब आप कलर कर लेंगे उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू हैं जिसके बाद कलर करने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बालों को धो सकते हैं। और एक क्लेम और कर रहा है कि जब आप इसको लगाते हैं तो जो एक्स्ट्रा आपके जो कलर रह जाता है जो बालों में वो उसको निकाल दीजिए, ग्लव्स इसके साथ मिल जाता है, आपको एक पूरा सेट मिलता है ग्लव्स का जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं प्रोडक्ट अच्छा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले समय में आपके लिए हम और वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।